हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी का चैप्टर नंबर 17 है, बादल चले गए वे। तो आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। सबसे पहला पद्यांश दे रखा है, बना बना कर डैश चले गए वे। ये जो आपका पद्यांश है अपनी पुस्तक से आप देख लीजिएगा। और संदर्भ में लिखेंगे आप लोग, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी काट दीजिएगा। मंजरी के स्थान पर आपको लिखना है अक्षरा, ठीक है। अक्षरा के बादल चले गए वे नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता त्रिलोचन जी हैं। कौन है? त्रिलोचन जी। ये आपको याद रखना है किस चैप्टर से लिया गया है और पाठ क्या है, पुस्तक का नाम क्या है, उसको बताना है। तीन चीज़ इसको संदर्भ में ध्यान में रखने वाली बात होती है। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में बादल के माध्यम से कवि ने सुख और दुख की बात कही है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही सुख भी जीवन में आता है और चला जाता है। तो समझे, इस प्रसंग के माध्यम से ये प्रसंग को ध्यान में लिख लीजिएगा। और जितने भी प्रसंग होंगे सब में आपको प्रसंग, जिसमें भी प्रसंग आएंगे इसमें आगे चल करके जो भी पद्यांश होंगे सब में ये प्रसंग कार्य करेगा। तो बादल के माध्यम से इस प्रकार से बादल आते हैं चले जाते हैं, उसी प्रकार से सुख और दुख की बात की गई है। सुख आ जाने के बाद कहीं ना कहीं सुख जाता भी है, अगर दुख आया है तो दुख कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। तो वही बात बोली जा रही है कि सुख भी जीवन में आता है और चला जाता है। व्याख्या है इस प्रकार से लिखेंगे, बादलों ने सुंदर रंग बिरंगे चित्र से खाली आसमां को सजा दिया। आकाश में मधुर संगीत हुआ और विभिन्न रंग दिखने लगे। आकाश में हुई शोभा ने चित्त मोह लिया, वे बादल चले गए। सेकेंड है आपका यहाँ पे पद्यांश, इसमें लिखेंगे पद्यांशांश से शुरुआत होती है, आसमान अब डैश डैश चले गए वे। संदर्भ में और प्रसंग जो होगा पूर्वत की तरह रह गए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के बादल चले गए वे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता त्रिलोचन जी हैं। सब प्रसंग में लिखेंगे, कवि बादल के माध्यम से सुख और दुख के बारे में बताया है। जिस प्रकार से बादल आते हैं चले जाते हैं, उसी प्रकार से सुख आने पर सो भी चला जाता है। व्याख्या में लिखेंगे, बादलों के चले जाने पर आकाश साफ नीला स्वच्छ दिखाई दे रहा है। वह दूर तक रसयुक्त श्यामल रंग से सजा हुआ था। धरती पीली थी, हरियाली युक्त और रसवंती हो रही थी। जाड़े के दिनों में प्रातःकाल ओस के कारण भीगा हुआ प्रकाशित नजर आ रहा था। अर्थात बादल के बरसने के कारण ही धरती का सौंदर्य सबको आकर्षित कर पाता है, वे बादल चले गए। सेकंड आपका पद्यांश है, थर्ड है सॉरी, दो दिन डैश दुख डैश डैश जैसे रहकर। इसका जो संदर्भ होगा वो भी पूर्वत की तरह रहेगा, जैसे आपने पहला देखा, और प्रसंग में भी पूर्वत की तरह रहेगा। एक बार आपने अगर पहला नोट किया तो वही सब इसमें भी चलेगा। व्याख्या इसका चेंज होगा, व्याख्या में लिखेंगे, संसार में दो दिन के लिए सुख और दो दिन के लिए दुख होने का क्रम चलता रहता है। वास्तव में सुख दुख दोनों का आपस में संयोग लगा ही रहता है। संसार में मनुष्य के जीवन में हंसी आंसुओं की नई तरंगे यानी कि लहरें आती रहती हैं। बादल इस प्रकार से आए थे जैसे दो दिन के लिए मेहमान और चले जाते हैं। प्रश्न नंबर, अब हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न से कुछ प्रश्न यहाँ पे हैं। प्रश्न नंबर एक है, बादल से संबंधित अन्य गीत कविताओं का संकलन कीजिए। तो यहाँ पे एक कविता के बारे में हम लोग देखते हैं, उत्तर में लिखेंगे, पक्षी और बादल हे भगवान के डाकिए हैं। ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं।
हम तो यह समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बचाते हैं। सेकंड आपका यहाँ पे है, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरी कोई जात नहीं, निस्वार्थ भाव से सृष्टि कोई सेवा करता हूँ, मैं बादल हूँ बस बरस पड़ता हूँ। चाहे हो मंदिर की ईंट, चाहे हो मस्जिद की दीवार, अपने जल से धोकर नमीन करता हूँ, मैं बादल हूँ बरस पड़ता हूँ। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। चाहे हो निर्धन की क्यारी, चाहे हो राजा की फुलवारी, पौधों की मोती गिराकर हरा करता हूँ, मैं बादल हूँ बस बरस पड़ता हूँ। चाहे हो भारत की भूमि, चाहे हो पाक की जमी, सबकी प्यास बुझाने का प्रयास करता हूँ, मैं बादल हूँ बस बरस पड़ता हूँ। अगला है प्रश्न नंबर ख, बादल कैसे बनते हैं, पता लगाकर लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, नदियों, झीलों, तालाबों और सागरों का पानी सूर्य की गर्मी से भाप में बदल जाता है। आपको पता है गर्मियों के समय व्यापक झिलमिल दोपहर के समय में आप देखते होंगे कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये क्या होता है, नदियों, झीलों, तालाबों और सागरों का जो पानी होता है वो सूर्य की गर्मी से भाप बनकर उड़ता रहता है। यह भाप वाष्प के रूप में हवा में मिल जाता है और वाष्प में मिली गर्म हवा हल्की होकर ऊपर आसमान में चली जाती है। जब हवा से भरे वाष्प एक स्थान पर एकत्र होते हैं तो वे बादल का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार से आप देखते होंगे जो नदियों गर्मियों और पानी नदियों पहाड़ों नदियों झीलों लग जो पानी रहता है, समुद्र का पानी रहता है, वो क्या होता है वाष्प के रूप में रखे उड़ करके हल्की होकर के वाष्प के रूप में ऊपर चली जाती हैं और आसमान में जा करके एक स्थान पर वो एकत्रित होती हैं और जब इनका भार ज़्यादा होता है तो फिर वो बादल के रूप में बदल जाते हैं, बदलने के बाद ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर एक है, अगला है इसमें, बताइए आपको बादल कब कब अच्छे लगते हैं कब नहीं। उत्तर में कहेंगे, बादल गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आपको पता है गर्मी के समय में धूप छांव होती है तो छांव होता है आपको सभी को अच्छा लगता है, खासकर जब तब धूप हो रही हो और आसमान पर काले काले बादल अचानक से छा जाए और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगे। सर्दियों के मौसम में बादल अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि वे सूर्य को ढक लेते हैं और मौसम अधिक ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको पता है कि ठंडियों में बादल अगर आ जाते हैं तो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, जबकि गर्मियों में ये बादल आपको अच्छे लगते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड है, आसमान में बादलों की उमड़ता घुमड़ता देखकर कुछ लोग प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ चिंतित। नीचे लिखे नामों में कौन प्रसन्न होता है और कौन चिंतित, कारण भी लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, किसान, यात्री, मोर, कुंभकार। उत्तर में लिखेंगे कुंभकार यानी कि कुम्हार। उत्तर में लिखेंगे, आसमान में उमड़ता घुमड़ता बादल देखकर किसान इसलिए प्रसन्न होते हैं कि उनके फसलों को पानी की आवश्यकता होती है जो बादल ही बरस कर पूरी करता है। मोर का प्रिय ऋतु ही वर्षा ऋतु है। बादल को देखकर वह प्रसन्न होकर मनमोहक नृत्य करता है। यात्री बादल देखकर चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं जाना होता है तो बारिश की वजह से उनकी यात्रा में व्यवधान पहुंचता है। कुम्हारों को अपने बनाए हुए मिट्टी के बर्तन धूप में ही सुखाने होते हैं, लेकिन बादल देखकर वे चिंतित हो जाते हैं कि कहीं बारिश हो जाए तो बर्तन गल ना जाए। प्रश्न नंबर तीन है, आप इसका उत्तर लिख, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आपने इंद्रधनुष देखा होगा, सोचकर बताइए कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं तथा इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो उत्तर लिखेंगे, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जैसे कि हरा, नीला, पीला, नारंगी, बैंगनी, आसमानी और लाल। यह बरसात के दिनों में वायुमंडलीय प्रक्रिया से बनता है। तो जैसे ही पता आपको इंग्लिश में आप इसको बिबग्योर के नाम से जानते हैं जो 7 कलर होते हैं और हिंदी में बैंगनी आह पिनाला के नाम से भी याद कर सकते हैं।
मैं लिख देता हूँ, बैनी आ पिनाला, पी ना ला, यानी वैसे बैगनी से नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इस प्रकार से सात कलर होते हैं। इसको आप हिंदी में याद कर लीजिएगा या बिब गोर्स के नाम से याद करते हैं, बिब ग्योर, ठीक है। इंग्लिश में याद करें या हिंदी में याद करें, दोनों में सेम होता है। इस प्रकार से वो भी सीरियल वाइज से आपको दिखाया गया है। प्रश्न नंबर चार है, यदि कुछ वर्षों तक बादल आए ही नहीं, अर्थात पानी बिल्कुल ना बरसे, तो क्या क्या समस्याएं आ सकती है, सोच कर लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, यदि कुछ वर्षों तक बादल ना आए तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होने पर फसलें सूख जाएंगी, नदी नाले कुएं तालाब झील सब सूख जाएंगे, भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, पशु पक्षी मनुष्य सहित पेड़ पौधे सब पानी के अभाव में मरने लगेंगे। कविता से कुछ प्रश्न है। प्रश्न नंबर एक है, निम्नलिखित पद्यांशों के भाव स्पष्ट कीजिए, विद्यार्थी संबंधित व्याख्या भाग पढ़े। प्रश्न नंबर सेकंड है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला यहाँ पे शब्द दे रखा था रंग दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका आशय क्या होता है, रंगीन शोभा दिखाई। दूसरा है चित्त चुराया, इसका अर्थ क्या होता है, इसका आशय क्या होता है, तो लिखेंगे मन को मोह लिया। श्याम सजीला, इसका अर्थ क्या होता है, श्याम वर्ण से सजा हुआ। और नेक्स्ट है नवल तरंगी, नवल तरंगी का अर्थ है सुख दुख की नई नई लहरें। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कविता में कुल तीन पद हैं, तीनों पदों के तुकांत शब्दों के अलग अलग जोड़े बनाकर लिखिए। जैसे कि यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे सजाया चुराया, यानी ये तुकांत शब्द लास्ट वाले जो शब्द होते हैं थोड़े से मिलते जुलते होते हैं, उनको तुकांत शब्द कहा जाता है। तो सजाया में या आया है, चुराया में भी लास्ट में या आया है। इसी प्रकार से सजीला गीला, ला में आ, लास्ट में आप देख रहे होंगे सजीला ला शब्द आ रहा है, गीला में ला शब्द आ रहा है, ये क्या होते हैं तुकांत, तुकांत शब्द होते हैं। दुख सुख लास्ट में खा खाए से दोनों में आ रहा है, इस प्रकार से भी एक तुकांत शब्द हो गया। प्रश्न नंबर चार है, बादल की तुलना पाहुन से क्यों की गई है। उत्तर में लिखेंगे, बादल पाहुन की तरह ही दो दिन रहकर चला जाता है, इसलिए उसकी तुलना पाहुन से की गई है। दुख पाहुन का अर्थ होता है, यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा पाहुन का अर्थ क्या होता है। प्रश्न नंबर एक है, दुख सुख में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीती हैं। इसी तरह से पांच शब्द युग्म लिखे जो कि इसमें आए हुए हों, या नहीं तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं। जैसे कि आयात का अर्थ होता है, आयात का विपरीतिक शब्द क्या होता है, निर्यात, आयात माने मंगाना, निर्यात माने भेजना। उन्नति का औन्नति हो जाएगा, एक का अनेक हो जाएगा, मान का अपमान हो जाएगा, आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। प्रश्न नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है नभ, गगन, अंबर। धरती का आप पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं धरा, वसुधा, पृथ्वी। प्रभात का पर्यायवाची शब्द होता है सुबह, भोर, प्रातःकाल। उसी प्रकार से बादल का पर्यायवाची शब्द है मेघ, घन, जलधर। प्रश्न नंबर अगला है, कविता में आए उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनका अर्थ आपको नहीं पता है। इन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढ कर लिखिए, इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर आप प्रश्न अभी स्वयं से कर सकते हैं। उदाहरण तौर पे यहाँ पे एक क्वेश्चन एक दे रखा है, उसको देख लीजिएगा। जैसे एक पहला शब्द है शिशिर, शिशिर का अर्थ क्या होता है, जाड़ा, यानी कि शीतकाल कह सकते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, शिशिर ऋतु में आग तापमान बहुत अच्छा सॉरी आग तापना बहुत अच्छा लगता है। जब ठंडी का मौसम आता है उसमें अलाव जो जला करके यानी आग जो तापते हैं वो आप सभी को अच्छा लगता है। चित्त, चित्त का अर्थ होता है हृदय यानी मन, उसका चित्त उदास है, उसका मन उदास है, ऐसे कह सकते हैं। इस प्रकार से और भी जो शब्द होंगे आप उसको देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर दो शब्द थे वो आपको बता दिए गए हैं। आशा करते ये वीडियो यहीं पर कम्प्लीट होता है। आशा करते आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।